पहचानते कस्बा माहौल से पेज लाइव दिखा रहा है आस्था माहौल, लेकिन कस्बा फेसबुक पेज जो माहौल आस्था सारा काफी लंबे है तो उनको कुछ ज्यादा ही जलपान चाहिए। बेचारे मैं देखा हूँ कुछ भूल रहे हैं आस्था, हम छोटे कह रहे हैं कि ठीक है भाई मैं तो आराम से ऐसे मैं दिखाऊंगा। और सलमान मिर्जा तीन बजे अपने खेल में निकाल आ रहे हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। संजयपुर के खंडवाड़ी के साथ तीन रन से मुकाबला जीत रहा है, उसके बाद उसके हाथ से बढ़े हैं, हाथ से बढ़े हैं यहाँ पे। और बॉलर्स का नाम बता दें सेमीफाइनल खिलावे लगे थे बता बॉलर्स ने सबसे बढ़िया सेकंड राउंड लिख के डाल दे खत्म वही समझ ले। अभी तैयार सामान के लिए छह प्लस छह के मुकाबला क्वार्टर स्पेस जो टीम गिरने की पहुंचे गया फिर चार में पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में और खेला की टीम आने की फाइनल में है। तो आज जो टीम निकलेगी यहां से सौ कमला रात थोड़ा से बहुत अच्छी गेंद बिल्कुल तो गेंद थी तुरंत बैट के साथ लाए वहीं पे गेंद को सही तरीके से खींच लिया। सलमान बड़ी प्यारी निगाह के साथ देख रहे हैं कि आतिश कितनी तेज गेंद कर दी इस एक्शन के साथ इधारी कर दी तो ये सलमान काफी अच्छा कह रहे हैं देख रहे हैं यहाँ पे। आसिफ भाई आप कुछ बेचैन लग रहे हैं जैसे पानी भी नसीब प्रधान होती है उस तरह से नजर गांव भोजन भी आसिफ भाई है बेचैन लग रहे हैं तुम्हारी बात का सा इसको रखा आगाज किया यहाँ पे आपकी पूरी खूबसूरती के साथ में खेल के दिखा रहे हैं कुछ अंपायर से बात कर रहे हैं सलमान मिर्जा भाई संजरपुर खेल चुकीगा संजरपुर का ही मुकाबला हो रहा है भाई संजरपुर और मोहारा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। बोनस में पांच मिलता हुआ संजरपुर को स्कोर जा पहुंचे छह रन बिल्कुल तैयार है पास के लिए जब कार किया जाएगा तो आपका पता सवाल है कि तो बेहतर होगा बड़ा प्यारा मैदान मुकाबला जीता है यहाँ पे जादवपुर की गेंदबाजी अच्छी रही लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी से खराब बल्लेबाजी रही बल्लेबाज बिल्कुल हरी गेंद से मेरे यहाँ खेल पाने में काफी आसमान दिखाए थे इस गेंद से बिल्कुल खेलने में नाकाम साबित हुई थी। जयपुर और जादवपुर ने एक तरफा रथ को आगे बढ़ा है उसका मुकाबला होगा शेरवा से जगह जगहपुर मेहनत करेगा तो मुझे लग रहा है कि अंतिम चार में आ जाएगा क्योंकि शेरवा की टीम अच्छी है लेकिन बेटी भी वित्तीय है अगर निकाल ली गई तो नाम बन सकता है आतिफ भैया और ये मोहारा की अंतरराष्ट्रीय है तैयार है बहुत से विकेट पहुंचे और फिर भी डिस्ट्रिक्ट है लेकिन बार बार गलती कर रहे हैं बार बार आतिफ विकेट निकालना चाह रहे हैं सामान के लिए डिस्ट्रिक्ट के गेंद करके अंत लाना चाह रहे हैं और बार बार सारे रन निष्ठा के हैं और मिर्जा सलमान काफी अंधेरे चर्चे हैं आगे में बहुत याद लेती गई थी बिल्कुल फॉर्म होने के चाहूंगा ले पाएगा जी भाई संजयपुर का दूसरा मुकाबला चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम भाई और ये बेहतरीन गोल का चला है जीशान को तो देखने आ जाएगी चार के इसी चार को पास कर लेना चाह रहा है और स्कोर जा पहुंचा है 12 रन पहला ओवर चल रहा है। ये चमचमाते हुए काफी आगे है और जिन लोगों का सही योगदान मैं उन लोगों का शुक्रिया कर रहा हूँ अब्दुल रहमान खेवा वसीम अहमद साहब खेवा मोहम्मद राशिद मुंबई और मोहम्मद सालिम पाटियावार अर्बन फाइन फाइन मार्क और एक मतलब फिर बिल्कुल चल गए थे बिल्कुल सुर जी के साथ मेरे गांव बीत करने में कामयाब हुई लेकिन एक दिन अभी जाएगा फरहत नासी हो तेरा कलेक्शन मन्नत दरबार जिनकी तीन तारीख को वर्ष ओपनिंग है रॉयल प्लास्टिक रॉयल डेंटल क्लिनिक एवं और पति रूम रोड आपका वेलकम कर रहा है और मैं यहाँ
बुखरात क्लब नहीं है भाई, हाँ आसिफ भाई हैं, अभी जुड़ेंगे अगले मुकाबले जुड़ेंगे आसिफ। वालेकुम अस्सलाम फहीम अहमद भाई, ऐसा स्टोक अक्सर विजय गोल खेलते हैं, जो विजय गोल खेलते हैं सलमान जैसी खेल को खेला चाहे भी कामयाब नहीं है। इसका चंदन अति तैयार के बारे में आपको सोचते हुए कि हमारा वार कम खत्म होगा, आज ये वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 9 गोल कर चुके हैं, इस ओवर में 9 गोल यानी डेढ़ ओवर कर चुके हैं। अति तैयार तो शुरू किया, अभी तक पहुंचे गए करेंगे तीस मरतबा से जरूर खेला है, मौजूद वहां पर एक मिल जाएगा। इस तरह से एक के साथ 15 रन पहला ओवर जारी, 6+6 का मुकाबला, क्वार्टर मुकाबला से चल रहा है यहाँ पे क्वार्टर फाइनल। इसमें से जो टीम जीतेगी पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में, तो सेमीफाइनल पहुंचने के लिए मैदान बिल्कुल चयन बेकार है। एक ओवर 15 रन संजय पुर का टोटल स्कोर 15 रन 6+6 ओवर के मुकाबले। वालेकुम अस्सलाम से बिलाल भाई, वालेकुम अस्सलाम नुमान भाई, दौना की टीम नहीं है भाई। वालेकुम अस्सलाम नफीस अहमद, अभी करने के लिए सामने महान जीशान को आसिफ भाई आएंगे, आज के तो महान गेम शो करेंगे ये रखा जाएगा। और जो उनका जिम्मेदारी संभाल लेते इसका भी इतिहास से भी दूसरा है कि बेटी का जोड़ी अपने मुकाबले को दिखा रही है, इंतकाल जा रही है, ये बढ़ती अपने गेम को शो करते हैं। जहर तैयार होते हुए दावी करने के लिए उनके सामने है मिर्जा तैयार होते किया और बेहतरीन स्टोर खेला है सलमान मिर्जा इसी खेल के साथ इसको जाकर अच्छा भी हमको चौथी सर कुछ दूसरा ओवर ही मात्र चल रहा है, इसको 34 बन चुके हैं। तो मोहरा तो हल्ला बॉल बल्लेबाजी कर रहा है, सजयपुर को ये मालूम है कि मोहरा की बल्लेबाजी काफी मजबूत है, उनको जितना मजबूत टारगेट देंगे उतना हम प्लस पॉइंट में रहेंगे। तो ये क्या 100 रन तक देगा या 90 रन देगा, इससे कम तक खतरे में रहेगा सजयपुर। पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी पे चौका, तीसरी डॉट, चौथी गेंद नो बॉल, पांचवी पे सिंगल, छठी पे छक्का, सातवीं पे सिंगल। काफी बाहर की तरफ है, काफी खराब के बाद में कहूंगा ये और ये पांच रन नो बॉल का असर आया है, नो बॉल का असर आया। तो ये पांच मिलेगा, इसी पांच के साथ इसको जा पहुंचा अभी यहां पे
41 बहुत दूर की बॉलिंग करें तो अंपायर के लिए अच्छा है सहारा की अभी दो वाली स्वास्थ्य बन चुके हैं तैयार होता है बहुत सी किया पहुंचेगी करेंगे सलमान को फिर उसने के साथ वहां पर खेलना चालू कर दिया कौन बार दी चार थे इसी चार के हाल से पहुंचा अभी यहाँ पे 45 सलमान लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और जीशान उनका पूरा साथ दे रहे हैं और हर साल उठाया सलमान क्या जीशान ने दो प्लेयर सलमान करेंगे बहुत अच्छी क्रिकेट खेलिंग रही को जीतना है उसकी चमचमाती हुई जाना है रेहान संजय की तस्वीर काफी आई है53 खूबसूरती के साथ पूरा कर रहे अब पैसा नहीं जाएगा इसी दो रन के साथ इसको लगा अच्छा अभी यहाँ पे
पूरा टीम को इतना चुके हैं और शहर टीम का टाके टाका एक और अच्छी गेंद और दो ही निकलेंगे कोई नहीं बहुत अच्छी बताते हैं बिल्कुल सही तरीके से और साकी भी मेरे कहा आ चुके हैं जो पास सवाल है जवान नासिर या आदित पास सवाल है बहुत टाइम अभी यहाँ पे हैं और ये ओवर नंबर 4 चला है वहां पर आगे अकटा सवाल है शर्मा और टीम जो मध्य मुकाबली है दोनों टीम तैयार है जाना पूरा शर्मा पास के लिए पास सवाल है मेहरबानी होगी और टीम को फिर फैसला करने के रास्ता मिल जाएगा कि हम पहले चाहते हैं जमान नासिर यहाँ भी धर्म दोनों में से किसी का आवाज पहुंच रही है तो आगे मैं उनके पास सुनाएंगे जमान नासिर यहाँ भी 4000 यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ के लिए तो 19 रन लगभग लेकर चले गए 19 रन से प्रकाशित लेकर चला है सजय को तो 100+ दिखाना है 100+ दिखाना है ये अर्ज वॉलेंटियर कोई भी रोस्ट आगे पास करा दो दोनों टीम कैप्टन मौजूद यहाँ पे है नवी तैयार और टीम तैयारी पार्टनरशिप चल रही दोनों टीम तो बल्लेबाज से दूसरी यहाँ पे बल्ले का बाहरी सिरा जरूर लगा था एक डिजाइनर प्रेशर के कारण करना चाह रहे लेकिन मार कर दिया गया इसके सीए के साथ 77-77 4000 किस बात की जवान नासिर अगर मेरी आवाज यहां तक पहुंच रही है तो आकर मैं मेरे पास पर पास करा दे जादापुर और शर्मा के दोनों कैप्टन यहां पर मौजूद है जवान नासिर या दोनों में से कोई भी आकर पास करा रहे हैं इस तरह दोनों टीमों के दरमियान पास हुआ शर्मा और जादापुर के दरमियान जादापुर ने पास जीता है और अभी तक उन्होंने अपनी कोई डिसीजन हमारे काउंटी पास पर नहीं दिया है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्द से जल्द अपना फैसला हमारे काउंटी पास तक पहुंचा फील्डिंग कर रहे हैं भाई उनका मैच करा जाएगा और इसी बीच सलमान मिर्जा के लिए और विकेट कीपर को भी प्रयास कर रही 4 रन के लिए अहमद का
काफी खराब है और उनके तमाम खिलाड़ी बहुत बेहतरीन से फील्डिंग कर रहे हैं। ना उनकी बॉलिंग में दम है, ना उनकी फील्डिंग में दम है और इसी बीच फिर उठाकर फेंका है और छक्का और इस छक्के की वजह से आपको एक स्कोर हो गया 101। और सब प्रयास कर रही संजयपुर की टीम लास्ट ये पांचवा है। इसके बाद अभी एक ओवर का खेल और बाकी है और इससे पहले इस ग्राउंड पर 100 रन बने थे। देख रहा है संजयपुर की टीम और इस ओवर का फिर आगे पूरा खतरा हो सकता है। जीवनदान कहा जा सकता है और इस एक रन के साथ स्कोर रखा गया 103। संजयपुर का टेबल स्कोर 103 और इसमें बहुत खूबसूरत शॉट खेला है 6 रन के लिए। इन खेलने के साथ स्कोर रखा गया 109। इससे पहले जो 110 रन का स्कोर कल मिला था उसको लगता है कि संजयपुर की टीम प्रयास करके काफी आगे निकल जाएगी और बहुत ही ज्यादा मुश्किल पहले होंगे जब महिला बैटिंग करेगा। और इस मौका फिर प्रयास किया है एक रन में 10 रन को इस एक रन के साथ फिर होगा एक टेबल स्कोर पहुंच गए 111। और इस मौके फिर ड्राइव किया लेकिन सिर्फ यहां पर फिंगर्स मौजूद एक रन और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंच गए 112 रन। जो कल का टारगेट जो कल का हाईएस्ट स्कोर था 110 रन वो आप पहुंच गए 112 रन। अभी ओवर नहीं कंप्लीट हुआ लास्ट लास्ट और इसमें एक और खूबसूरत छक्का और 6 रनों के साथ अब स्कोर पहुंच गया 118। अभी एक ओवर का खेल और बाकी है। देखना है कि आज संजयपुर कितना लंबा टारगेट देती है महिलाओं के लिए बालस में। नासिफ और वही पहली खराब की नासिफ टोटल स्कोर 119। नासिर अहमद का फिर महुआ की तरफ से और इस मौके फिर ड्राइव किया 4 टोटल स्कोर पहुंच गया 123। 20 रन से ऊपर 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से ज्यादा रन बना रही संजयपुर की टीम है। एक और खूबसूरत छक्का और अब पहुंच गया टोटल स्कोर 129। 129 रन। अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा महिलाओं के लिए और इसमें बड़ा और उसमें का फिर उठाकर फैला है लेकिन वहां पर फिर मौजूद और एक रन और टोटल स्कोर पहुंच गया 130 रन 31 रन नासिर अहमद
वाइड टोटल स्कोर 132 रन। पूरी टीम बिल्कुल मायूस नजर आ रही है, उनको जैसे पहले एहसास हो गया है कि हम संजय पर दिखलाएं तीन गोल हो गए। खूबसूरत इनिंग खेल कर तीन बोल रहे हुए नासिक की बॉल पर नए बैट्समैन फुरकान, नासिक की कुछ गेंदों का सामना करेंगे फुरकान, नासिक चले और इस महत्व फिर राइट बॉल बहुत बोरी मैच हो गया। तमाम खिलाड़ियों में कोई दिलचस्पी नहीं इस मैच को खेलने की और इस वक्त फिर ब्राइट किया वहां का फिल्डर्स मैच और एक रन और टोटल स्कोर 134 रन। नासिक महिला की तरफ से अपने ओवर के अगली गेंद और इस वक्त फिर सुरेश छह रन के लिए और टोटल स्कोर 140 ओवर समाप्त हो गया और इस तरह महुआ की इनिंग खत्म हुई। अब हमें बैटिंग करना है 140 रन। अब देखना है कि संजयपुर रन बनाकर संजयपुर ने 140 रनों का टारगेट किया है। मुबारक सबसे खराब 140 रन बनाकर 141 रनों का टारगेट दिया है संजयपुर ने। मुबारक 140 रन बने हैं। अब देखना है कि जो 140 रन को किस तरह से टारगेट करती है। हालांकि संजयपुर की टीम पूरे सवाल में दो बैट्समैनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अब महिला की जानिब से दो ओपनिंग बैट्समैन धीरे धीरे मैदान में आ रहे हैं। अंपायर हमारे अपने पोजीशन पर बिल्कुल खड़े हैं और मैच बिल्कुल स्टार्ट होने के लिए चिपका है चला दिन का दे नो बॉल वो दे वो चिपका है हर ओवर में 23 रन चाहिए। महुआरा को अगर ये मैच जीतना है उसे हर ओवर में 23 रन चाहिए। आबिद अगर यहाँ पर मौजूद है तो वो काउंटी बॉक्स पर आ जाए। आबिद खेलना अगर उनको आवाज करेगी तो काउंटी बॉक्स पर आ जाए। मैच खेले कोई मौका अंपायर मैच डिस्टर्ब करे
ये तो होना ही। फाइनल आज ही होगा भाई, फाइनल मुकाबला आज ही खेला जाएगा। स्ट्राइक पर फुरकान, राइट स्ट्राइक पर एक बैट्समैन अपना नाम लिखा था हमारे स्कोर बुक में और ये वाइड बॉल थी इरफान की। हरियाणा का कोई खिलाड़ी है तो वो कहीं भी बैट्स के पीछे आ जाए, कैप्टन में हरियाणा अगर उनका कोई खिलाड़ी है तो वो कहीं भी बैट्स पर आ जाए। ये काम चले और सफलता तैयार है। और ये चार अरे यार चौको गवाए तो ना सात रन सात और उसने उठा कर खेला है यहाँ पर खेलना उसने जिनके पहुंच से बाहर छह रन और इन छह रनों के साथ उसे पहुंच गया तेरह। पांच रन के बैट्समैन को इन पांच रनों के साथ अन स्कोर पहुंच गया अठारह। अगर पांच रन और इस ओवर से आ जाते हैं और इसमें जब बेहद ही खूबसूरत शॉट छह रन के लिए
एक रन आउट, टोटल स्कोर 25 रन। इस ओवर में अब तक 2 रन बने। शनिवार के साथ चले अंपायर रनों को क्रॉस करते हुए इस मैच का विकेट कीपर को भी गेंद क्रॉस कर ली। एक रन आउट, टोटल स्कोर 26 रन। 23 रन चाहिए हर ओवर में। अगर बहुआरा देश उस मैच में बने रहना है तो हर ओवर में 23 रन चाहिए। बहुत ही आक्रामक बैटिंग करनी होगी, बिल्कुल हर गेंद पर हिट करना होगा। बगैर गेंद की लाइन में है आएंगे बिल्कुल एकदम, और इस तरह एक विकेट रन आउट हो गया बैट्समैन तो टोटल स्कोर अभी भी है 26। सम्मान मिलता अगर हैप्पी करते हैं तो 51 रुपए का इनाम है उनका यहां पर जाहिर कबूतर वाले की तरफ से, और प्लस में खूबसूरत कबूतर भी देंगे किसी अच्छी नस्ल। और इस मरदा पटकी हुई गेंद थी वाइट बॉल, और इस वाइट बॉल के साथ स्कोर में एक रन का और इजाफा, टोटल स्कोर अब पहुंच गया 27। सलमान और इस मरदा फिर एक रन और इस एक रन के साथ स्कोर अब पहुंच गया 28। अब धीरे धीरे पिछड़ गई है मघवाला की टीम। यकीन अगर इस वक्त तेरी फिक्र हर पल रहती है, ओवर समाप्त हो गया। सलमान मिर्जा का दो ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर मघवाला का टोटल स्कोर शून्य है 28 रन। फर्स्ट का पहला ओवर और इस इनिंग का तीसरा ओवर, और इसमें थोड़ा गेंद उनके पैर के निचले हिस्से से लगने के बाद वहीं पर रह गई, कोई रन नहीं। महुआरा पिछड़ गया इस ओवर में। पहले ओवर से उन्होंने 23 रन सरन बनाए थे, लेकिन सलमान मिर्जा के सामने वो हिम्मत नहीं जुटा सके, और टोटल स्कोर इस वक्त है 31 रन। हैप्पी बात बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटे। एक और बात हुआ इब्राहिम भाई, सलाम बोले सलमान भाई। अब देखना ये शेख मोहम्मद इब्राहिम, वालेकुम सलाम इब्राहिम भाई, दुबई गए का और उनका नंबर चाहिए। बोले धीरे धीरे मैं सलमान भाई बोल रहे हैं नंबर मैसेज कर दीजिए, वो नंबर आपको मैसेज कर दीजिए। और इस मतलब एक रन से काम चलने वाला नहीं है, इसके लिए हर गेंद पर हिट करना होगा, चौके लगाने होंगे, छक्के लगाने होंगे अगर टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है। और ये कहीं से जाहिर हो रहे बैट्समैनों के हाव भाव से कहीं से जाहिर नहीं हो रहा है कि वो इस तरह की बैटिंग करने की पोजिशन में। और उससे पहले की विकेट कीपर एक रन आउट, नहीं
ओवर स्कोर 34। बहुत अच्छे, एक रन है, टोटल स्कोर 36 रन। हर ओवर में 30 रन चाहिए, अब तक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग आधा रन से, लगभग 50 रन से हारेगी ये टीम अगर इसी तरह की बैटिंग रही। और एक रन और, टोटल स्कोर 37 रन। कैप्टन शर्मा और कैप्टन जादापुर दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रह रहे हैं। जादापुर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। बस ये मैच बहुत जल्द खत्म होने वाला है। मैं कैप्टन जादापुर से गुजारिश करूंगा कि अपनी फील्डिंग बिल्कुल अपने तमाम खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल तैयार रहे। जैसे ही गेम खत्म होता है आप फौरन मैदान में तशरीफ लाएं। खत्म करा मर दे जल्दी से। एक रन है, टोटल स्कोर 40। नहीं आ रहा था, टोटल स्कोर 40 है। अभी यहां से उनको इस मैच को जीतने के लिए 100 रन की जरूरत है, जबकि ये चौथा ओवर फेंका जा रहा है और उसमें तुम्हारा ट्राई किया वहां पर फिल्डर्स मौजूद। एक रन आउट, रन आउट हो रहे वो सीधी विकेट पर जाकर लगी, तो अभी भी 100 रन की जरूरत और है महुआरा को इस मैच को जीतने के लिए। और अगर महुआरा हुआ तो ये खिलाड़ी लगातार सिक्स लगाते हैं तब भी ये मैच से पिछड़ जाएंगे, इसलिए कि इस ओवर्स की कुछ गेंदें इसके बाद सिर्फ 12 गेंदें। अगर 15 गेंदों का भी खेल बाकी है तो सिर्फ 90 रन बनेंगे। और इसमें तो अपने पूरा छक्का लगाया है और इस छक्के की वजह से टोटल स्कोर पहुंच गया है 46। और एक बच्चा भी बहुत अकेला है यहां पर बैठे फिल्डर्स मौजूद, लेकिन क्रैश कर रही है। टोटल स्कोर 50 रन, अभी भी यहां से 90 रन और चाहिए जो उनकी पहुंच से काफी दूर है। दर्शक बिल्कुल खामोश है, इसलिए कि इस मैच में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकता है। और इस मौके पर गैर किया और चार टोटल स्कोर 54। अगर शुरू से इसी तरह की बैटिंग होती तो यकीनन इस मैच में कुछ चार होती, लेकिन सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या हुआ, जब सब कुछ खत्म हो गया तब बैटिंग हो रही है महुआरा की तरफ से। संजयपुर ये मैच जीत चुकी है, कुछ गेंदों का खेल और बाकी है, 10 या 12 इस बार का फिर यहां पर खेला है और 6 रन जीत के अंतर को कम कर सकते हैं। महुआरा की टीम जीत नहीं सकती और ओवर समाप्त हो गया है, सिर्फ 12 ओवर के खेल और 12 गेंदों के खेल और बाकी है। टोटल स्कोर 60, 90 रन चाहिए। अगर 12 गेंदों पर 12 छक्के लगते हैं तो सिर्फ 72 रन बनेंगे। दस
दर्शकों की तादाद भी बहुत कम है और मैच बहुत ही बेजान इस वक्त हो रहा है। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा और बहुत ही दिलचस्प मैच होगा, वन रन एक रन और टोटल स्कोर अब पहुंच गया 61। भैया बाबू टोटल स्कोर 61 और इसमें पूरा एक रन और मिलेंगे बैट्समैन को, टोटल स्कोर 65। अब सिर्फ 10 गेंदों का खेल और बचा है और टूर्नामेंट से बिल्कुल बाहर हो गई है, क्वार्टर फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंच गई है संजयपुर की टीम। और इस दो टीमों में से जो टीम जीतेगी उसका फाइनल मैच उसका सेमीफाइनल मैच किया जाएगा और एक रन के साथ इस पर पहुंच गया 63। मैं पतन के बैठा एक रन लाओ टोटल स्कोर 64। दोनों टीमें बिल्कुल तैयार है, जादवपुर और शर्मा इस मैच के फौरन बाद उनका गेम खेला जाएगा, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल और एक और छक्का। इन छह रनों के साथ अब स्कोर पहुंच गया है 70। आधा पहुंच यानी अभी भी यहां से मंजिल 70 रन दूर, आधा रास्ता महुआरा में रन की जो 140 रन जो चाहिए थे उसमें से 70 रन बना लिए हैं, यानी हार के अंतर को उन्होंने आधा कर दिया है। जब उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्वार्टर फाइनल कितने रन से हारे तो बताएंगे 70 रन, एक रन और कम कर दिया 69 रन चाहिए। अभी इसके बाद एक रन का खेल और बाकी है, जब ये तीन बार पहुंचेगी तो ये पूछेंगे कि क्या हुआ, तो कहेंगे कि हम और इसमें क्या फिर वाइट हुआ। टेबल स्कोर पहुंच गया 73 रन, रन चाहिए 67 रन से काफी पीछे चल रही है सभी महिला, कोई अनहोनी किसी तरह का कोई करिश्मा इस मैच को नहीं जिता सकता महिला को। और इस मैच में फिर वाद खेला है और ये 6 रन एक और छक्का, इन 6 रनों के साथ अब स्कोर उछलता हुआ महिला को पहुंच गया है 79। इकसठ रन और चाहिए, और समाप्त हो गया। अब 6 गेंदों पर 61 रन, पांच गेंदों का खेल और बचा है, वन बाय अभी 6 गेंदों का खेल बचा है और फिर वन बाय बहुत ही जज्बात में सब बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि उनको गेंद खत्म हुआ खत्म करना चाहिए। सलमान मिर्जा हमारा टाउन करें जल्दी से मैच को खत्म कराए भाई, और एक गेंद और पूरी 5 गेंदों का खेल और बचा है, टोटल स्कोर में हुआ रखा
81 और इस वक्त हल्के से खेल दिया है और इससे पहले के लिए फील्ड और एक रन और 82 बाकी दोनों बैट्समैनों ने काफी अच्छी बैटिंग की और जीत के अंतर को वाकई उन्होंने बहुत ज्यादा कम कर दिया। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था और आउट आउट एक और विकेट गिर गया सलमान मिर्जा चले ग्रीन बोल्ड हो गए आते ही गेंद को समझ न सके एक और आघात लगे आने हुआ को 82 की स्कोर यहां से 18 अभी पीछे चल रहे इस वक्त महिला की अब देखना है कि नए बैट्समैन इस अंदर को कितना कम कर पाते हैं और इसमें अपना ड्राइव किया ठीक हमारी काम की बात के बिल्कुल बाएं जाने एक रन और समाप्त हो गया इस तरह खत्म हो गई और संजयपुर बहुत आसानी के साथ ये मैच जीत गया। मैं कैप्टन जादापुर से गुजारिश करूंगा कि अपने तमाम खिलाड़ियों में पहुंच गए सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है कैप्टन जादापुर और जैसे ही मैच शुरू हो रहा है।